नमस्कार दर्शकों, केएनएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हर कोई आंखों पर काला चश्मा लगाकर शहर में भ्रमण कर रहा है। इसका मुख्य कारण केवल और केवल आई फ्लो है। दरअसल आपको बता दें कि आई फ्लो वायरस जो कि तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है, जहां सबसे पहले एक आंख में कई लक्षण होते हैं और धीरे धीरे दोनों आंखों में होने लग जाते हैं। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले में आई फ्लो वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और मरीज लगातार चिकित्सकों से इलाज कराने आ रहे हैं। आई फ्लो हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। यह वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा है। वहीं मरीजों में आई फ्लो के लक्षणों में आंख लाल होना, आंख में जलन सहित आंसू आना, सूजन आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। आई फ्लो वायरस के शिवपुरी में लगभग 100 से अधिक मरीज हो चुके हैं, जहां लगातार सभी मरीज डॉक्टर का परामर्श ले रहे हैं। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिवपुरी से मोनू नामदेव की रिपोर्ट। भगवती रावत। क्या परेशानी है आंखों में आपको? आंखों में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। ये कब से हो रहा है? कल सुबह से हुआ है, उसमें ज्यादा श्याम से 6 बजे। घर में किसी और को परेशानी थी पहले? छोटे वाले लड़का को हुआ कोचिंग से। कितने लोगों को हो गए? 3। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? इन्फेक्शन बताया है आई फ्लू का। हाँ सर, आई फ्लू शहर में फैल रहा है, क्या कहेंगे? आई फ्लू का कम्युनिटी स्प्रेड है, ज्यादातर लोगों में है, एडिनो वायरल है और बारिश, उमस और गर्मी की वजह से फैल रहा है। लोगों को चाहिए कि वो संक्रमित लोगों से दूर रहें। घर के किसी भी व्यक्ति को यदि हो जाए तो उसका टॉवेल, बिस्तर, तकिया, चादर ये सब अलग कर दें। संक्रमित व्यक्ति को चाहिए कि वो मेन जो हाउस होल्ड थिंग्स हैं जिसको सब लोग छूते हैं, जैसे टीवी का रिमोट, फ्रिज का हैंडल, इन चीज़ों को न छुएं। एक आदमी को चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को सैनिटाइज करते रहे, आँखों को और चेहरे को और हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। बच्चों को जिनको यदि हो जाता है तो 5 से 7 दिन स्कूल से छुट्टी दिला दें। हॉस्टल संचालकों से अनुरोध है कि वो एक कमरा बच्चों का उनका अलग कर दें जिनको संक्रमण है, नहीं तो बाकी लोगों को फैलेगा। और समाज को ये संदेश है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आई फ्लू होने पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, गैर जरूरी अगर है तो बच्चों को किसी भी अस्पताल न ले जाएं, अन्यथा अन्य मरीजों से उनको होने का खतरा है।